मदद नहीं करते। अरे वाह टूटता हुआ तारा, मैं कोई इच्छा मांगती हूँ? मैं बस गर्म पानी के तालाब में आराम करना चाहती हूँ। कितना मजा आ रहा है। रुक जाओ मामा, राजकुमार सब ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो? खुद ही देख लो माओ। तुम तो राजकुमार हो, हमारी मदद करो। हमारी मदद करो। अगर तुम तारे के ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। माओ तुम दोनों तो बाल बाल बच गए। थैंक यू, तुमने हमें बचा लिया। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। असल में कल रात तुम्हारी अम्मा ने टूटते तारे को देखकर एक इच्छा मांगी थी, इसलिए मैं आया हूँ। हमें तो नहीं पता। मेरी अम्मा ने इच्छा में क्या मांगा था? ला 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 ला। अम्मा मैं आ गया। अरे वाह ये तो तारों का राजकुमार है। हेलो आंटी। तारों का राजकुमार आपको गर्म पानी के झरने पर ले जाने आया है। आपने कल रात टूटते तारे को देखकर इच्छा मांगी थी ना? मैं आपकी वही इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। अप्पा अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊँ। सुनो ना अप्पा, अम्मा को जाने दो ना। जाने दीजिए ना। अब तो तोते चैन ने भी हाँ कह दिया, अब तो जाने दो अप्पा। ठीक है गान की अम्मा जाओ। गान की अप्पा? गान की अम्मा ने हमेशा हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए तारों के राजकुमार अम्मा की इच्छा पूरी कर दो प्लीज। मैं जरूर पूरी करूँगा। अम्मा मैं आप पार तोते चैन घर का सारा काम कर लेंगे, आप बस जाओ और गर्म पानी के तालाब पर मजे से आराम करो। थैंक यू गॉन बेटा। चलो हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। हमारी चिंता मत करना, आप खूब मजे करना। ओके बाय बाय। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हम इंतजार करेंगे। राजकुमार हमें और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी सी दूर और जाना है आंटी। यहाँ कितने सारे तारे हैं, मन करता है कि हाथ बढ़ाकर छू लूं। मुझे बता देना कि आपको कितना गर्म पानी चाहिए, इतना गर्म ठीक है? हाँ ठीक है। तारों के राजकुमार तुम ठीक तो हो ना? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ ना? इतना गर्म ठीक है ना तारों के राजकुमार? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, बस तैयार हो ही गया, ये लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़े और मसाले और सब्जियाँ डालनी चाहिए थी। अरे रुको ना। मैंने इसमें थोड़ी चीजें और डाल दी हैं, अब इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। ये लो पियो और बताओ कैसा है। मैं इसे पी कर देखता हूँ। अरे वाह। इतना जोर से दबाना ठीक है ना आंटी? थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, हाँ थोड़ा और जोर से। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो, लाओ मैं बताती हूँ। कैसा लग रहा है? आहा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरती पर मेरी फैमिली अकेली है, पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे।
सारी तैयारी हो गई है, चलो गौन अब खाना बनाते हैं, बहुत भूख लगी है। आ? आज मेरा आलू के पकोड़े खाने का मन कर रहा है अप्पा। नहीं, मुझे आलू के पकोड़े खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज हम वही बनाएंगे। नहीं पकोड़े अप्पा। नहीं रोल। आलू के पकोड़े। नहीं रोल। मेथी की रोटी खाओ। मेथी की रोटी। देखो मेथी की रोटी। मेथी मेथी की मेथी की रोटी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, तारों के राजकुमार में क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अरे मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अब मुझे वापस जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। राजकुमार सुनिए। क्या हुआ? मुझे गौन, धोते चैन और अप्पा की बहुत चिंता हो रही है, मुझे घर वापस जाना है। क्या आपको वापस जाना है? गौन की अम्मा, मुझे लगता है आप बेकार में ही इतनी चिंता कर रही हैं। मैं क्या करूं? चिंता करना मेरी आदत है, उसके बिना मेरा दिन नहीं कटता। गौन अप्पा। तो कैसा लगा मेरे हाथ का बना खाना? बहुत बढ़िया। मुझे पता था, आखिर खाना बनाने में मैं उस्ताद जो हूँ। अम्मा यहाँ नहीं है तो घर में सब कुछ कितना शांत लग रहा है। हाँ, शोर मचाने वाला कोई नहीं है ना। ये सब तो मेरे बिना बहुत खुश है। बेकार में आ गई। तारों के राजकुमार। हाँ? चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। वाह, कितना मजा आ रहा है। तलाश नए घर की। वाह, जरा देखो इसे कितनी चमक रही है। इसे कहते हैं असली शिकारी की कुल्हाड़ी। अरे बच्चों बस करो, क्यों शोर मचा रखा है इतना? तो खेल रहे हैं। तुम दोनों चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। तो पेट भरेगा। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, बहुत छोटी है, हम खेल नहीं पाते। ये तो तुमने सही कहा, हमें थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत है। यहाँ से नदी भी दूर है, पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। ये भी यहाँ आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें पता है ना वो तकिया है? तुम उसकी सपने देखना छोड़ दो। रहने के लिए घर नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, और उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारा दिल इस पत्थर ने टांग अड़ा दी। हाय मेरी कुल्हाड़ी। ये पत्थर हमें भी बहुत परेशान करता है अप्पा। इस पत्थर ने मेरी आंखें खोल दी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इसी वक्त दूसरा घर ढूंढने के लिए जाएंगे। अप्पा, इस बार हम कोई ऐसा घर देखेंगे जहाँ सामान रखने के लिए काफी जगह हो। ठीक है, पहाड़ के पास काफी बड़े बड़े घर हैं, हम वही चलकर देखते हैं। हाँ, वैसे भी हम सब साथ साथ हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम साथ साथ हैं। चलो ना, घर बसाएंगे। चला नहीं जाता। इतनी जल्दी थक गए? अभी तो हमें एक भी घर नहीं मिला गौन। अगर हमें जल्दी कोई घर नहीं मिला तो हम खाना कहाँ बनाएंगे और खाएंगे कहाँ पर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे वो देखो एक घर। कहाँ? काफी बड़ा लगता है। हमें यहाँ सामान रखने के लिए भी काफी जगह मिल जाएगी। रुक जाओ, घर में जाने से पहले उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। अप्पा का सच में जवाब नहीं। अच्छा हुआ मैंने अंदर आकर देख लिया, यहाँ तो पहले से ही कोई है। उठो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। इस तरह के खतरों के लिए ही हमें घर को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, लेकिन अंदर था कौन अप्पा? हाँ? वैसे मुझे लगता है कि इस बार हमें अपनी पसंद का घर मिल ही जाएगा। देखो वहाँ सामने कोई टापू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार टापू है। वाह, यहाँ कितने सारे सीपी है, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे फल भी लगे हैं। अप्पा चलो ना, हम यही रहते हैं। ठीक है, हम यही रहेंगे और अपना घर यही बनाएंगे। हाँ, और ये मेरा कमरा होगा और ये कोना मेरा होगा और
और ये है मेरी प्यारी सी किचन। अप्पा अच्छा चलो ये बताओ आज खाने में क्या खाओगे? यहाँ हमें कुछ नहीं मिल पाएगा इसलिए इन सीपियों से ही कोई अच्छी सी डिश तैयार कर लो। और तुम मीठे में क्या खाओगे? मुझे तो मीठे में खजूर अच्छे लगते हैं। मैं भी वही खा लूंगा। अरे अप्पा आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टापू छोटा होता जा रहा है? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो छोटा होता जा रहा है। पेड़ पर चढ़ जाओ। समंदर के बजाय नदी के किनारे वाला घर ज्यादा अच्छा रहता है। सही कहा, अब हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा जवाब नहीं अप्पा। अरे वाह यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। रुको रुको जल्दबाजी मत करो, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अरे ये मेरा कांटा खा गई। क्या हुआ? अरे ये क्या मुसीबत है। नदी के किनारे रहने का आइडिया उन शैतान मछलियों की वजह से फ्लॉप हो गया। अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सही कहा, आप बाल बाल बच गए वरना तो वो खतरनाक मछलियाँ आपको चारा समझकर खा जाती। अम्मा बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो बेटा, मेरी तारीफ करने का ये सही मौका नहीं है। मैं तो नजारे की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो हम यही रहते हैं, यहाँ का नजारा भी बहुत शानदार है। ठीक है, वैसे भी मैं और नहीं चल सकती। क्या ख्याल है अप्पा, क्या कहते हो तुम? ठीक है। अब समझा यहाँ पर भेड़िए हैं। ओ मेरे सामने दम है तो आगे बढ़ो, लड़ो मुझसे। शाबाश तोते चे, तुमने तो कमाल कर दिया, उन्हें बिना लड़े भगा दिया। ये तो मेरा फर्ज था। बचो, फर्ज का कर्ज चुक गया। तोते चैन, लगता है हम गलती से छुचुंदरों के इलाके में आ गए हैं। इसका मतलब तोते चैन के लिए भी ये जगह ठीक नहीं है। मैं तो थक गया। अब तो कोई भी जगह मिल जाए, मैं तो बस सब रुकना चाहता हूँ। मैं भी अब्बा। हाँ मैं भी। देखो वहाँ कोई घर है। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना। एक बात पूछूं अप्पा, क्या अब रोशनी कर ले हम लोग? हाँ ठीक है, मैं भी यही कहने वाला था। अरे जरा इसे देखो, लगता है यहाँ कोई पहले रहता था। अरे वाह यहाँ सामान रखने के लिए कितनी जगह है, मेरा सारा सामान कितने आराम से यहाँ पर आ गया। मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई, मैं तो यही रहूँगा। यहाँ तो तकिया भी है, मजा आ गया। ये देखो हो गई रोशनी। वाह ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। अप्पा अरे ये क्या? घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए। ये तो हमारा घर है, इसी को तो हम छोड़ कर गए थे। लो कर लो बात, हम कितने पागल है। नहीं हम घर ढूंढने के लिए इसी घर को छोड़ कर गए थे, ये तो वही बात हुई कि सारी दुनिया घूमा है लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए। कंपनी का एजेंट खतरे में। बहुत भूख लगी है। अरे ये तुम दोनों ने क्या भूखे तोते की तरह रट लगा रखी है? कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, और कोई बात नहीं कर सकते क्या? हिम्मत ही नहीं बची है, पेट में चूहों ने ऑर्केस्ट्रा बजा रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी। मैं जानता हूँ हम भले ही विलन है लेकिन हमें भी भूख लगती है और दर्द होता है, तो चलो आज टॉक टाइम की मशीन की कंपनी के एजेंट का सूप बनाते हैं, मजा आएगा। क्या? कंपनी के एजेंट का सूप? हाँ मैंने उसकी रेसिपी अपनी दादी की दादी से सुनी थी। कंपनी के एजेंट का सूप सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, उस सूप में सारी पौष्टिक चीजें होती हैं जैसे मिनरल विटामिन और प्रोटीन वगैरह, उससे पीने से बहुत ताकत मिलती है और टॉक टाइम भी बढ़ता है।
बड़ी अजीब सी बात है, मैंने तो नहीं सुना। तुमने नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सच नहीं है। चलो अपने तशरीफ के टोकरे उठाओ, हमें सूप बनाना है। चलो उठाओ, चलो चलो हाथ पैरों के गेयर बदलो। हम हैं आज के नए जमाने के शहंशाह। हम आज के जमाने के नए शहंशाह। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम कंपनी के एजेंट से बिल्कुल नहीं डरते। हम बनाकर ही रहेंगे कंपनी के एजेंट का सूप। सूप बनाकर रहेंगे। सूप बनाकर रहेंगे। काम हो गया क्या? लगता तो है एजेंट आ गया। उड़ चला, मैं उड़ चला। अब तैयार रहना, हमारा शिकार इधर ही आ रहा है। उड़ चला, मैं उड़ चला। यही मौका है। पकड़ लो। बांधो कसके, छूट न पाए। मैं अभी आता हूँ। उसे बांधो। इसका घोड़ा तो भीगी बिल्ली की तरह भाग गया। तुम्हारा घोड़ा तो भाग गया, लेकिन हम तुमसे ही काम चला लेंगे। क्या हो गया गॉन? ये देखो अप्पा। अच्छा, तो उस बदमाश ने तुम्हारे मालिक की कंपनी के एजेंट को पकड़ लिया हा? तुम चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, आज हम कंपनी के एजेंट को बचा कर रहेंगे और उन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गॉन तोते दिन, चलो चलो चलो। अब मैं तुम्हें सूप बनाने का तरीका बताता हूँ जो सिर्फ मुझे ही पता है। सबसे पहले इसे उबलते पानी में बहुत देर तक उबालो। देर तक उबालो। ये अच्छी तरह से उबलने के बाद इसमें चिल्ली सॉस और थोड़े से दूसरे मसाले डालो। चिल्ली सॉस और थोड़े दूसरे मसाले डालो। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत तुम्हारे काम आएगा। ये सब चीजें डालने के बाद लोग क्या करने वाले हैं? अप्पा, मुझे तो लगता है वो सूप बना रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट तो बहुत अजीब होगा। ये बात तो है। अब हम क्या करें? गॉन तुम मेरे साथ चलो जरा। लेकिन क्यों अप्पा? मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मैं भी चलता हूँ। क्यों, गर्मा गर्म पानी में उबलते हुए कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? पानी थोड़ा और गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा। आओ जाकर और लकड़ी लेकर आओ। अभी लाए। ये लो, ये लो, ये लो। लाल हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत मजेदार हो जाएगा। मजेदार हो जाएगा। अब्बा हम क्या करें? हमें जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी कुछ कीजिए। हमें उन बदमाशों का ध्यान हटाकर एजेंट को खबर देनी होगी। हम उसे अपनी खबर कैसे देंगे? इस चीज की मदद से। लेकिन ये क्या चीज है अब्बा? ये कंपनी के एजेंट का पसंदीदा खाना है। जब वो इसे देखेगा तो समझ जाएगा कि हम लोग उसके आसपास ही हैं और उसकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन ये चीज उसके पास पहुँचनी जरूरी है। क्या? और उसके लिए मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा है, ये रहा। अब वो इस चीज को पकड़ लेगा और हम उसे जल्दी से ऊपर खींच लेंगे। लगता है ये सूप पूरी तरह तैयार हो गया। चला चक्कर देखते हैं। देखते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है इसमें थोड़ा नमक कम है। लेकिन ज्यादा नमक खाने से सेहत खराब हो जाती है। मुझे लगता है इसे थोड़ा और पकाना चाहिए, असली टेस्ट गर्म होने पर ही आएगा। ठीक है, इसे और गर्म कर देते हैं। जाओ जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। अभी लाए। ये लो। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म सूप और हम पिएंगे गर्मा गर्म सूप। अब बनेगा हमारा गर्मा गर्म सूप और हम पिएंगे गर्मा गर्म सूप। उसने पकड़ लिया। चलो खींचो, ऊपर खींचो, खींचो।
हमारा प्लान चौपट कर दिया, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। तुम्हारा प्लान तो शुरू से ही फ्लॉप था, बस मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दी। तुमने हमसे झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। मुझे पता था कि ये लोग ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो तेजन जरा केले देकर इनकी भूख मिटा दो। ये लो, ऐश करो। मैंने केला पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? केले के चक्कर में घन चक्कर बन गया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अब तुम आजाद हो। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला और उम्मीद है कि तुम इसे भूलोगे नहीं। इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाने के बारे में अब कभी मत सोचना। आखिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरे कान में मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। अप्पा घर चलो ना। कहाँ तक गए? चलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तुम्हें ऊपर जाने से बचाया और अब यही मुझे ऊपर। पनौती का माओ आजा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। अप्पा। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजकल मेरे शिकार की टाइमिंग को जंग लग गई है। कोई बात नहीं अप्पा, लेकिन आप खाली हाथ घर जाएंगे तो आपको पता है ना अम्मा कितना गुस्सा करेंगी। हाँ मुझे पता है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो रहा शिकार। रुक जा। वही 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 रुक जा। अप्पा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना अप्पा? मैं आपको खा ये क्यों था लिया मैंने? मेरा बेड लक ही खराब चल रहा है, हर काम में गड़बड़ हो जाती है, अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा अप्पा, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है ये सब पनौती के एजेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे गले पड़ा हुआ है। चलो भाई एजेंट, मेरी बहुत बैंड बजा ली, अब तो जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, तो चेंचूर हो जाओ। अब देखो मेरा कमाल। मेरी किस्मत सच में आजकल पांडिचेरी की चेरी खाने गई है। अरे तुम फिर से आ गए? तुम अप्पा के साथ साथ रहोगे पर इस तरह कब तक रहोगे उनके साथ? आप इससे ऐसे बात करिए जैसे ये कोई मेहमान हो। अगर वो मेहमान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन रहने दो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो? ये बेड लक का एजेंट है, अगर ये हमारे साथ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आज खाने में क्या बनाया तुमने? खाने में आज तुम शिकार करके लाए नहीं और कल का खाना कुछ बचा नहीं। इस एजेंट का जल्दी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अगर यही हाल है तो पूरी जिंदगी भूख हड़ताल करके निकालनी पड़ेगी। समझ गया ना तोते चैन? समझ गया। अब तू नहीं बचेगा। अप्पा इसे कितनी दूर छोड़कर आना है? इतनी दूर कि ये वापस ही ना आ सके। मेरे ख्याल से इतनी दूर काफी रहेगा। धीरे धीरे भागो। काम आसानी से हो गया। सच कहा, हमने पनौती को भगा दिया, कल से सब ठीक हो जाएगा। ये फिर से आ गया। कैसे हो गया? अस
असल में बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तेज भागो, हमें इसे बहुत दूर छोड़कर आना है। अब ये वापस नहीं आना चाहिए। और दूर चलो। मुझे लगता है अब ये वापस नहीं आ पाएगा। फेंक दो। बैड लक का एजेंट। आ गया। ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने इस भूखे को सारा खाना खिला दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे इस पर बहुत तरस आता है। आवाज मत करो। बहुत अच्छे तोते चैन, चलो अब इसे कहीं दूर छोड़कर आते हैं। इतनी दूर काफी है ना? नहीं, थोड़ी दूर और चलो, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। गिर गई मुसीबत। चलो पीछा छूटा, अब ये कभी नहीं आएगा। हाँ, कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह चैन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे।